श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति। वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बृंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भवेच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वै पियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वे नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरन धेयं सदा परिभवग्नमविष्टदूहं तेथास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनोतपालभवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनै कवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च तदासिनीतं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाम भागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजभीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीजस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Tarko apratishto satayo vivinya, na so munirjasya matam navinyam, dharma satatyam nihito guhayam, mahayanu yenu gato sapantya. Tarko apratishto satayo vivinya, Nāsho munirjasya matam nabhinyam dharmasya tatyam nihitvam guhāyam mahāyano yenu gato sapantha. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguruji ne bataye tarko pantha se guru tattva bhagavat tattva antadhyan ho jate hain. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguruji ne bataye tarko pantha se aprakita satya vastu guru tattva bhagavat tattva antadhyan ho jata hai. Tarko ke dwara ye samajhne wala cheez nahi hai. Jitna tarko jodoge utna hi piche jaoge. Tarko ke dwara ye aprakita jagat ka koi vastu प्राप्त करना संभव नहीं. इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया अप्राकृत वस्तु नहि प्राकृत गोचर. अप्राकृत जगत का कोई वस्तु मेंटल एजम्पशन मानसिक चिंता अनुमान लगाया जाए विचार लगाया जाए जड़ों इंद्रियों बुद्धि को इस्तेमाल किया जाए फिर भी अप्राकृत तत्व जानना संभव नहीं. और उपनिषद में आता है जब स्वर्गों का देवता लोगों का अंदर में अभिमान छा गया उन्होंने सोचा असुर लोगों को परास्त किया कितना ताकत है हम लोगों में. देवता स्वर्ग लोगों का देवता लोग ये लोग का अंदर में अभिमान छा गया या हम लोगों में असुर का ऊपर जय प्राप्त किया कितना क्षमता है. भगवान ये लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान परग्रीष पर ब्रह्म ये लोगों को सबक सिखाने के लिए एक अद्भुत प्राणी का स्वरूप बनाकर स्वर्गों का गेट तक पहुंच गया. स्वर्गों में कोई फालतू चीज अलाउ नहीं है. स्वर्गों में कुछ बेकार की कोई चीजें मिलता नहीं. स्वर्गों में कोई फालतू चीज अलाउ नहीं है. तो स्वर्गों में यह आ गया कैसे. नारद ये चारों ओर खबर फैल गया कि स्वर्गों में एक पिक्यूलियर प्राणी आया है. समझ में नहीं आता कौन है कैसे आया है. स्वर्गों राज्यों में तो फालतू चीज अलाउ नहीं है. इंद्र महाराज का पास खबर गया. इंद्र महाराज जी ने बोला चलो कौन आया है थोड़ा परीक्षा करके देखें. अग्निदेव को भेजा है जाओ परिचय लेके आओ ये कौन आया है स्वर्गों में जाओ परिचय लेके आओ. परिचय लेने के लिए गया. बोले महाराज आप कौन हैं कहाँ से आए हैं. बोले आप कौन हैं पहले बताओ कहाँ से. अरे हमको जानते नहीं मैं अग्निदेव हूँ. अग्निदेव क्या कर सकता अग्निदेव. सारे जला के खाक कर सकता है पूरा दुनिया को जला दे. अच्छा इतना क्षमता है अब में. हाँ हमारा नाम अग्निदेव है. ठीक है चलो ये जो स्ट्रॉ है ना खर है ये जो टुकड़ा फूस इसको जला के दिखाओ. बोले ये तो फालतू बात
ये तो हंसी का मामला है, मैं चला के दिखाओ। अग्निदेव अपना पूरा ताकत लगा के ये छोटा सा एक ड्राई एक स्ट्रॉ का कुछ कर नहीं सका, जलाने का कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हैरान होकर इंदु महाराज के पास जाके बोला, महाराज हम जान नहीं सके वो कौन है, कहाँ से आया, ऐसा ऐसा बात है, एक छोटा सा टुकड़ा ड्राई स्ट्रॉ रख दिया, हम जला नहीं सके। वरुण देव पवन देव को बुलाया, बोले आप जाके पता करके आओ ये कौन है। पवन देव आया, बोले आप कहाँ से आए हो, क्या आपका परिचय है। बोले पहले आपका परिचय बताओ। मेरा परिचय तो सब कोई जानता है, मेरा नाम वायुदेव है, वायुदेव है क्या कर सकता। बोले सारे उड़ा के ले जाए, इतना क्षमता है हमें पूरा दुनिया को हवा से उड़ा के ले जाए। अच्छा तो ये हमारा एक टुकड़ा स्ट्रॉ रहा, इसको उड़ा के दिखाओ। है ये तो मामूली बात है, पूरा ताकत लगा के एक स्ट्रॉ को हवा में उड़ा नहीं सके। हैरान हो गया ये कौन है। फिर इंद्र महाराज जी के पास खबर दिया, महाराज हम परिचय ले नहीं सके, ऐसा ऐसा बात है, हैरान होके वापस आ गया। फिर जल देवता वरुण देव को बुलाया, वरुण देव आप परिचय, आप तो बोला ताकतवर हो, अब थोड़ा परिचय लेके आओ, कौन है इस स्वर्ग का धार में आया है। उन्होंने गया, बोले महाराज आप कौन है, बोला आप कौन है पहले बताओ, हम अपना परिचय बाद में देंगे। बोले मेरा नाम वरुण देव है, तीनों लोकों में मैं फेमस हूँ, वरुण देव इतना धनशाली इतना पावर क्या कर सके, पूरा पानी से पानी पूरा दुनिया को पानी से उड़ा देंगे। ठीक है हमारा ये स्ट्रॉ है, ये इसको थोड़ा उड़ा के दिखाओ। महाराज पूरा ताकत लगा के भी ये टुकड़ा एक खास फूस इसको उड़ा, इसको पानी से बहा के ले जाना तो दूर की बात है, स्पर्श तक नहीं कर पाया। हैरान होके जाके इंदु महाराज को बताया, ये मेरा बस का काम नहीं है, कौन है कहाँ से आएगा पता नहीं है। इंद्र महाराज स्वयं गया, बोले ठीक है चलो तुमसे होगा नहीं, तुम लोगों से होगा नहीं, मैं खुद जाके देखूं। अपने आप जाके इंद्र महाराज उस जगह गया स्वर्गों का गेट में, जाके देखा कोई तो वस्तु है नहीं, कहाँ गया, ये अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान वैनिश हो गया। ऊपर से आसमान में उमा देवी ज्ञानदायिनी उमा देवी ऊपर में आसमान में आ गया, दर्शन दिया और इंद्र ने ऊपर उठा देखा, बोले किसको ढूंढे हो, बोले ये एक अद्भुत एक प्राणी था, स्ट्रेंज एक प्राणी था, पिक्यूलियर एक प्राणी था, वो प्राणी नहीं है, वो साक्षात परात्पर परब्रह्म साक्षात ब्रह्म वस्तु। अच्छा तो कहाँ गया, बोले देखो आप लोगों का अंदर में इतना अभिमान है इतना अहंकार है, इसीलिए आप लोगों को सबक सिखाने के लिए आया था, लेकिन आप गायब हो गया, अब गायब हो गया, आपको सबक सिखाने के लिए आया था, आप लोग जो हमने युद्ध जय किया है ऐसा ही अभिमान कर रहे हो, युद्ध जय किया है असुर लोगों को पराजित किया है, ये सारे बेकार की बात है, ये ब्रह्मो जो है ये ब्रह्मो आपको जय दिया, ये ब्रह्मो का ताकत से आप असुर लोगों का ऊपर जय प्राप्त किया, आपका अपना क्षमता नहीं है, समझ लो ये ब्रह्म वस्तु है, वो चला गया आपको धोखे में रखकर चला गया, अभिमान से कुछ नहीं होने वाला, अभिमान से कुछ नहीं होने वाला है इंद्र, जाओ शरणागत होकर भगवान का अनुगत्य में
जो ड्यूटी है आपका, जो ड्यूटी है सारे देवता लोगों को भगवान अपना अपना ड्यूटी में लगा के रखा है। सब कैबिनेट मिनिस्टर जैसे हैं, एक एक कैबिनेट, कोई पानी का वाटर डिपार्टमेंट है, कोई वायु डिपार्टमेंट है, कोई अग्नि डिपार्टमेंट, सब देखे भगवान का ही शक्ति, किसी का शक्ति नहीं है, सब भगवान का ही शक्ति है, किसी का शक्ति नहीं। तर्कों के द्वारा तर्कों और ज्यादा वृद्धि होता है, जितना तर्क जोड़ोगे उतना ही तर्क बढ़ते रहेगा, तर्कों का कोई सलूशन नहीं है। तर्क मतलब लॉजिक, तर्कों का कोई सलूशन नहीं है, जितना तर्क करोगे उतना ही तर्क बढ़ते चलेगा। और अप्राकृत वस्तु तर्कों का बाहर है, इसको ही कुछ नहीं होने वाला। काल हम लोग चर्चा कर रहा था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सुंदर विचार बताया, जो लोगों का विश्वास है नारायण का कोई जन्म नहीं है इसलिए नारायण आदिदेव है, कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण आदिदेव हो नहीं सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने दो पार्टी बनाया, एक पार्टी कर रहे हैं, एक पार्टी ये कह रहे हैं, दूसरा पार्टी ये कह रहे हैं, दो पार्टी कर रहे हैं, एक कह रहे हैं, एक डिफेंड कर रहे हैं, एक उल्टा तर्क दे, एक डिफेंड कर रहे हैं, उसका बाद उसका कंक्लूजन सिद्धांत तो आया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भागवत जी महापुराण से जो श्लोक उठाया, ये श्लोक इट्सेल्फ डॉक्यूमेंट है, कृष्णो परात्पर अखिलेश्वर, कृष्णों का आगे पीछे कोई नहीं है। ये श्लोकों का मैंने काल दो चार पांच बार उच्चारण किया, एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि वैकुलम लोकम मिडयन्ति जुगे जुगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितना सारे अवतार हैं, जितना सारे कोला अंश कुछ भी है, ये लोगों का सबका, पुरुष अवतार का, सबको ही का ओरिजिनली कृष्ण है। ये ब्रह्मो संगीता भी, ब्रह्मो संगीता में भी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, इसका बारे में कोई गुंजाइश नहीं चलता, इसका प्रमाण तो पहले ही है। ब्रह्मो संगीता एक डॉक्यूमेंट्री किताब है, ब्रह्मा जी ने जो देखा है वो उसी को लिखा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण, जिनके भगवत्ता से दूसरे का भगवत्ता, जैसे शंकर भगवान, शंकर भगवान का ताकत भगवत्ता कहाँ से आया है? शंकर भगवान, शंकर को भगवान बोला जाए, इंद्र को भगवान बोला जाए, ये लोग भगवान हैं, लेकिन भगवान मतलब क्या है? जिसका भगवत्ता, भगवान माने हों जिसको भगवत्ता अर्थात भगवत का ताकत शक्ति जिसका अंदर में भगवान दिया है स्पेशल पावर, वो भगवान, जैसे स्वर्गों का देवता लोगों को दिया, सो शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, सब भगवान, लेकिन मूल आदि भगवान है भगवान श्री कृष्ण, जिनके भगवत्ता, जिनके भगवत्ता से दूसरे का भगवत्ता, जिनके पावर से भगवत्ता से दूसरे का भगवत्ता मिलता है, जैसे शंकर भगवान को ताकत मिला है भगवान से, जार भगवत्ता होते अन्य भगवत्ता स्वयं भगवान शब्दे तहते ही शब्द, जिस ओरिजिनल सोर्स से जितना सारे ताकत आया है, ये जिसका भगवत्ता से, भगवत्ता से दूसरे का भगवत्ता सिद्ध होता है, स्वयं भगवान, ये शब्दों का इसमें ही प्रमाण होता है सत्य। हमने बताया था दीपावली का दिन, काल नहीं,
काल दीपावली, काल दीपावली है। दीपावली में, दीपावली में घर घर में दीपक जलाया जाता है। कारण क्या है? इसका एक पुराना कारण है जिसको विजयादशमी बोलते हो, जानते हो, दुर्गा देवी का पूजा का अंतिम दिन, इसका नाम है विजयादशमी, एकादशी का पहले, जो कार्तिक महीना का, कार्तिक महीना का जो पहला एकादशी है, वो एकादशी का दिन, उसका पहले दिन, उसका नाम है दशमी। दशमी तिथि में श्री रामचंद्रो समुंदर का ऊपर ब्रिज बना के लंका पहुंचा था। श्री राम भगवान जितना सारे कोपी, जितना सारे बानर सेना सब लेके एक ब्रिज बनाया, जैसे कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने का जो ब्रिज है, एक ब्रिज बनाया एक पत्थर से, पत्थर बड़े बड़े पत्थर का चट्टान, उसका ऊपर जय श्री राम लिख के हनुमान जी पानी में फेंक दिया और पत्थर तैर रहा है। एक एक पत्थर ऐसा करके जोड़ के पूरा लंका तक एक ब्रिज बनाया। और विजया दशमी मतलब है श्री रामचंद्र विजय किया, विजय माने गया लंका में रावण के साथ युद्ध करने के लिए, उसको मार के खत्म करके सीता देवी को उद्धार करने के लिए गया, वो है विजया दशमी। इसका नाम है विजया, विजया बांग्ला नाम है, संस्कृत भी नाम है विजया, विशेष जय करो चलो। और दीपावली का दिन श्री रामचंद्रो लंका विजय करके रावण को खत्म करके उद्धार करके फिर बानर सेना लेके आया, अर्थात लंका में विजय प्राप्त करके राम जी कोपी सेना बानर सेना लेकर सारे लंका से, श्रीलंका से फिर आया। श्रीलंका में अपना राजपाट विभीषण को, अतः रावण का भैया, उनको दे दिया, देखे वापस आया। श्री रामचंद्रो जब श्रीलंका विजय करके वापस आया, पूरा भारत में आनंद का बार छा गया, चारों ओर प्रदीप दीपक जल रहा है, चारों ओर प्रदीप दीपक जला दिया, घर घर में श्री राम लाला राम जी वापस आया। इसका नाम है, इसका नाम है आज का काल का दिन, अगले काल दीपावली, तुलसी तला में दीपक दो, घर घर में पास सारे जगह दीपक जलाओ, ये दीपक अगर जले, जैसे राधा कुंड में चारों कोर दीपक लगा दिया और एक साथ चारों ओर दीपक एक एक करके सब जला दिया, राधा कुंड का चारों ओर दीपक जल रहा है, प्रदीप लैंप जल रहा है और चारों ओर दीपक जला दिया, देखने में इतना सुंदर है चारों ओर श्याम कुंड राधा कुंड प्रदीप, लेकिन जो जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने तो पहला एक दीपक जलाया होगा, एक तो ओरिजिनल दीप है जिसको पहले जलाया, उसका बाद बाकी दीप को जलाया। ते उदाहरण दिया, दीप होते जोइछे बहु दीपेर जलन, मूल एक दीप तहा कोरिये गणन। क्या बोला? जो ब्रह्म संगीता का प्रमाण है वही बोला, दीपार चिरेव दशांतरम अभ्युपेतो दीपा यति विवित हेतु समान धर्मा, ये बताया। दीपक चल रहा है, एक दीपक से बहु दीपक जलाया जाता है, बट ओरिजिनली एक दीपक मस्ट भी दिया, ओरिजिनल एक दीपक तो है जिससे बाकी दीपक जलाया था, ऐसे ही कृष्ण ओरिजिनल है
जिससे सब दीपक जलाया। तो ये सब अवतार कृष्ण से कारण, ये तमाम अवतारों का कृष्ण है ओरिजिनल कारण। दूसरा एक श्लोक कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी उठाया श्रीमद् भागवत जी महापुराण से, और एक श्लोक सुनो कुव्याख्या खंडन। दूसरा एक श्लोक हम बताएंगे, दूसरा एक श्लोक हम बताएंगे भागवत जी महापुराण से, जिसके द्वारा आपका रॉन्ग कंसेप्शन को हम तोड़ेंगे। और एक प्रमाण, पहला प्रमाण दिया था इधर, एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये प्रमाण दिया। और दूसरा एक प्रमाण दे दिया है, पहला वाला प्रमाण दिया है भागवत्ता फर्स्ट कैंटो से, पहला ही जो प्रमाण दिया है भागवत जी महापुराण फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 28 नंबर श्लोक, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और यहाँ भागवत जी महापुराण का सेकंड कैंटो 10 चैप्टर का एक दो वन एंड टू श्लोक का सेकंड कैंटो का यहाँ बताया, अत्रो सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयु मन्यंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय हो दशमस्य विशुद्ध्यार्थम नवानमीह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेनार्थेन चांजसा। भगवत वस्तु डेकोरेटेड विथ 9 सिम्टम्स स्पेशल एंड ऑल 9 सिम्टम्स गोइंग टू इंडिकेट द ओरिजिनल 10th सिम्टम। अत्रो स्वर्गो विसर्गस्य स्थानम पसनमुतयु मन्नंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय हो दशमस्य विशुद्ध्यार्थम नवानमीय लक्षणम। 10 नंबर तत्व को स्थापन करने के लिए अत्र स्वर्गो विसर्गो स्थान पोषणम उतयो मन्वंतरो ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय, ठीक है। ये जो अत्र स्वर्गो जो है, ये जो स्वर्गो है, ये जो स्वर्गो माने क्रिएशन, क्रिएशन को संस्कृत में स्वर्गो बोलता है। कौन सी क्रिएशन? क्योंकि क्रिएशन का बहुत सारे स्टेज है, स्टेप बाय स्टेप। क्रिएशन एट ए टाइम हुआ नहीं था, क्रिएशन जो हुआ था, जब क्रिएशन हुआ था, क्रिएशन का ग्रेजुअल क्रिएशन हुआ था, एट ए टाइम नहीं। तो ये ग्रेजुअल क्रिएशन में पंचभूत पंचतन्मात्र दशेन्द्रियो मनो महातत्व अहंकार, ये सब जो विराट स्वरूप का एक निर्माण हुआ था, उत्पत्ति, इसका नाम स्वर्गो, इसका नाम है स्वर्गो। स्वर्गो क्रिएशन एट ए टाइम हुआ नहीं था, देर वॉज सम ग्रेजुअल कोर्स, दिस स्टेज फर्स्ट सिक्स स्टेज, दिस स्टेज ग्रेजुअल प्रमोशन, नाउ वी आर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, नॉट एट ए टाइम, इट टुक टाइम, लॉन्ग टाइम। तो स्वर्गो जो है, इसका माने है भगवान का ये जो महत्त्व जो है, अहंकार मन दशेन्द्रियो तन्मात्रा पंचभूत पंचतात्मत्व, इसका जो परस्पर म्यूचुअल एडमिक्सचर हुआ, उसका बाद बहुत सारे प्रोसीड्योर है, इसका नाम है स्वर्गो। और विसर्गो नाम है ब्रह्मा से चराचर विश्व का निर्माण। पहले ब्रह्मा का कुछ करने का नहीं था, व्हाट ब्रह्मा कैन डू, ब्रह्मा कैन डू नथिंग। पहले महाविष्णु दृष्टि दिया, पहले महाविष्णु दृष्टि दिया प्रकृति का ओर,
फिर उधर कुछ एजिटेशन हो गया मौत, इसका बाद धीरे धीरे सब हुआ। अनंत ब्रह्मांडो, एक एक ब्रह्मांडो में ब्रह्मा का क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो विराट विश्व का निर्माण का प्रोसीड्योर है, इसका नाम है स्वर्ग। और स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल जो क्रिएशन है ब्रह्मा के द्वारा किया गया, इसका नाम है विस्वर्ग। जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्राणी, सब कुछ आया है, पहले स्वर्गों का माने ये है विसर्गो, ब्रह्मा से चराचर ये विश्व का निर्माण। स्थिति, स्थिति मतलब भगवान का विजय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, वो अहंकारी शिव भगवान का विजय, स्थिति, स्थिति भगवान का विजय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वो संकार का संहारकारी शंकर से जो जिसको क्रिएशन का क्षमता दिया, क्रिएशन का पावर दिया, भगवान ब्रह्मा को क्रिएशन का पावर दिया, शंकर को डिस्ट्रक्शन का पावर दिया, ध्वंस करो, लेकिन इन दोनों से भगवान का पावर बहुत उत्कर्ष, वेरी हाई तत्व, इसका नाम है स्थिति। स्थिति मीन स्टेबिलिटी इन वन फॉर्म। भगवान का एक नाम है अच्युत। ये जो स्थिति, स्थिति का नाम है स्टेबिलिटी। द भगवान का एक नाम है अच्युत, हु कैन नेवर बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन पोजिशन। भगवान का एक नाम है क्या? अच्युतो, गोविंदो, अच्युतो। अच्युतो माने न च्युतो, च्युतो माने डिस्प्लेस्ड, हु इज नेवर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन पोजिशन, हु इज ऑलवेज इन हिज ओन रियलिम, हिज ओन पावर, इसका नाम है अच्युतो। तो इसका नाम है स्थिति। और पोषण मतलब, पोषण मतलब मेंटेनेंस बोल सकते हो, निजो भक्तों का बहुत ही अनुग्रह। पोषण का एक्चुअल मीनिंग है, पोषण मतलब भक्तों लोगों का ऊपर अनुग्रह, कृपा ऑन भक्तों, अनुग्रह। उति मतलब कर्म वासना, उति मतलब कर्म वासना। जगत में जितना जीव प्राणी आए, इसका अंदर में कोई कर्म का, कोई कर्म वासना नहीं है तो हो ही नहीं सकता। हर जीवों का अंदर में कुछ ना कुछ करने का टेंडेंसी है। ऑल जीवा सम हाउ दे लाइक टू डू समथिंग। ये जो कुछ करने का ये इच्छा, कुछ करने का इनिशिएटिव जो है, इसका नाम है उति। मन्नंतर मतलब सात्विक, मन्नंतर, मन्नंतर हम लोग सोचते हैं एक मन्नंतर गया, एक भी माने हैं मन्नंतर। मन्नंतर का, मन्नंतर का लिटरल मीनिंग है वन मनु टप। हेलो, एक मनु काम हो गया, ये मनु चला गया, इसका नाम है मन्नंतर। मनु अंतर, मनु अंतर, मन्नंतर। लेकिन इधर जो माने हैं ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन इधर ये शास्त्रों का, भागवत का विचार के अनुसार मन्नंतर मतलब सात्विक जीवों का आचरणीय धर्म। सात्विक जीव सब जो पालन करना चाहता है धर्मों, इसका नाम है मन्नंतर आचरणीय धर्म। सात्विक व्यक्ति लोग जो शुद्ध आचार आचरण करने की इच्छा होता है, आचरणीय धर्म, इसका नाम मन्नंतर। ईशानुकथा, ईशानुकथा मतलब भगवान का अवतार का कथा। ईशानुकथा हरि अवतार कथा और भागवत दिगर कथा। ईशो कथा, ईशो कथा मतलब भगवान का एक एक अवतार, लीला सब का कथा, और भगवत भक्तों का कथा। भागवत जी महापुराण में
भगवत भक्तों और भगवान दोनों का ही कथा है बहुत सारे। ईशो कथा, ईशानु कथा हो गया, निरोध मतलब हरि, हरि जप, योग निद्रा आश्रय करके सोपादि शक्त शक्ति सय सहन। निरोध मतलब निरोध मतलब ब्लॉकेज। निरोध का निरोध ये शब्द जो है संस्कृत और बांग्ला का, इसका लिटरल मीनिंग अगर जानना चाहो, इसका मतलब लिटरल मीनिंग है निरोध मतलब बंद करना, स्टॉप, निरोध। लेकिन यहाँ जो माने हैं, इसका माने है भगवान सारे सृष्टि को विड्रॉ करके आपने शयन किया, शयन का समय भगवान योग निद्रा पर अटेंशन दिया। भगवान का शयन नॉट लाइक आस, भगवान का जो स्लीपिंग है शयन है हमारा मापिक नहीं है, हमारा शयन है तमोगुण। अब भगवान जब शयन करते चौखे मुतकर मतलब इज गिविंग अटेंशन टू योग निद्रा स्पेशल। तो निरोध मतलब हरि, निरोध मतलब भगवान हरि, योग निद्रा का समय, सो उपाधि सब कुछ विड्रॉ करके टुगेदर विथ ऑल शक्ति गोइंग टू विड्रॉ एवरीथिंग इनसाइड हिमसेल्फ एंड गोइंग टू टेक रेस्ट दिस वे, इसका नाम है निरोध। और मुक्ति का मतलब है मुक्ति, स्थूलो सूक्ष्म रूप त्याग करके शुद्ध जीव स्वरूप में व पार्श्व से मुक्ति मतलब मुक्ति का मतलब है जितना सारे अनंत जीव हैं ये सब जीव धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसीजर में बाद में सारे संसार का बंधन काट कर मुक्त होके चले जाए। लेकिन मायावादी का जो मुक्ति है ब्रह्म इफाल्जेंस में सबमर्ज करे, इम्पर्सनल इफाल ऐसा माने नहीं है, ये मुक्ति का मायावादी लोग ऐसा माने करता है। लेकिन हम लोग का गौड़ीय सिद्धांतों का अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौड़ीय सिद्धांतों, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति। गौड़ीय दर्शन का विचार के अनुसार मुक्ति का माने है, मुक्ति का माने हैं मुक्ति हित्वा अन्यथ रूपम। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी अदर मीनिंग, ओनली वन मीनिंग क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। व्हेन आई कैन गेट बैक माय स्वरूप, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। समझा, इसका नाम है मुक्ति। स्थूलो असूक्ष्म, ये शरीर है स्थूल मोटा कवरिंग है ग्रॉस बॉडी, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है अंदर में। सुबह में मैं बोला था फूलों का महक, फ्लावर स्मेल कमिंग बाय द हेल्प ऑफ यर स्मेल ऑफ फ्लावर, हम लोगों को बस ऐसे कैसे आता है, कैरिड बाय एयर। तो ये निरोध का मुक्ति का माने हैं। और आश्रय मीन टोटल सपोर्ट ऑफ इन अनंत ब्रह्मांड, द कंप्लीट सपोर्ट अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र जो सपोर्ट है इसका नाम है आश्रय। जहाँ इति सृष्टि श्रुति प्रलय अनंत विश्व का से प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा। तारे श्रीमद भागवत जी महापुराण में, ताले श्रीमद भागवत जी महापुराण में देखो कितना सुंदर बताया भागवत जी महापुराण, कितना डॉक्यूमेंट है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पसनमूतयो मन्नंतरीशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रयो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमीह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मना सुतेन अर्थेन चांजसा अत्रो सर्ग विसर्गस्य स्थानम पसनमूतयो मन्नंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर अल्टीमेटली आश्रय।
माने 10-10 तत्व, 10 तत्व के क्या क्या, अत्र स्वर्ग विसर्गस्य स्थानम प्रसन्नो मुतयो मन्नंतर ईशानुकथा निरोधो एंड मुक्ति एंड टेंथ नंबर टेंथ इज आश्रय। तो नाइन डिफरेंस इन नाइन नौ किस्म का अलग अलग जो तत्व है विच आर अल्टीमेटली गोइंग टू सो कृष्ण। नौ तत्व जैसे जैसे तरह तरह का सिद्धांत विचार किया, सिद्धांत विचार करके फाइनली प्रमाण करने जा रहा है कि ये सिद्धांतों के द्वारा यही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, आई मीन जैसे साधन है असाध्य वस्तु है, साधन मीन हम लोग का अभ्यास, हम लोग अभ्यास करें साधन भजन, असाध्य मीन द अटेनेबल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट वी लाइक टू गेट फाइनली बाय द हेल्प ऑफ आवर भजन, इसका अटेनेबल ऑब्जेक्ट, इसका नाम है साध्य वस्तु। तो नौ डिफरेंट काइंड ऑफ लक्षण, नौ किस्म का, नौ किस्म का ये जो अलग अलग लक्षण हैं, ये अलग अलग लक्षण इसलिए दिया गया जे आप इसको अलग अलग से दिया गया नौ लक्षण, और अल्टीमेटली सपोर्ट है एक्चुअल अल्टीमेटली तत्व आश्रय हो। सो भागवत जी महापुराण में क्लियरली बताया गया ये नौ तत्व अल्टीमेटली पूर्ण तत्व वस्तु, जो फाइनल आदि तत्व ओरिजिनल तत्व, इसको समझाने के लिए नौ तत्व का जरूरी है। आ दशमस्य विशुद्धार्थम टू क्लियरली इंडिकेट द टेंथ, आई मीन द अटेनेबल ऑब्जेक्ट, नवानम इहो लक्षणम, नाइन डिफरेंट सिम्टम्स एंड लक्षण कैटेगोरिकली गिवन, वर्णयंती महात्मनः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। ठीक है, समझा? अभी आश्रय तत्व का बारे में पूरा जानकारी, कंप्लीट नॉलेज आश्रय तत्व का बारे में हम लोग को चाहिए। आश्रय जानते को ही ए नव पदार्थ, ए नवेर नवेर उत्पत्ति हेतु यही आश्रय अर्थ, ये आश्रय तत्व अर्थात भगवान गोविंद या आश्रय तत्व, ये आश्रय तत्व को खुलासा करने के लिए नौ तत्वों को अलग अलग सा विचार किया गया। आश्रय जानिते को ही ये नवो पदार्थो, ये नवेर उत्पत्ति हेतु ये आश्रयार्थ। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण इज द पिवोटेड पॉइंट, सर्वाश्रय सेंटर पॉइंट आदि, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, समस्त तेज समस्त शक्ति समस्त किचू का समस्त वस्तु का ओरिजिनल सोर्स, कृष्ण एक सर्वाश्रय, सब कुछ का सब किचू का आश्रय है, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्वविश्वर विश्वाम, कृष्ण का शरीर में अनंत ब्रह्मांडों का प्राकृत अप्र सबका विश्राम है, कृष्ण का शरीर में सर्व विश्व का विश्वाम है, महाविष्णु का एक एक हेयर टिप में, महाविष्णु का एक एक हेयर टिप में अनंत ब्रह्मांड, महाविष्णु का एक एक हेयर टिप, इसका इस कैविटी हेयर टिप का जो कैविटी है इसमें अनंत ब्रह्मांड। तो आप सोचो भगवान क्या वस्तु है, क्या भगवान का साथ नाता जोड़ोगे, क्या संबंध बनाओगे भगवान का साथ, पागलपंथी, सारे पागलपंथी। सो एक कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वर विश्राम, अनंत ब्रह्मांडो देर कृष्ण।
dasame dasamam lakshanam asitasraya vigraham krishnakhyam paramam dhamo yagadhyamo namami tvat. Tvat mit sat, sat min vaiyo, tvat min sat vastu. The dasame dasamam lakshanam asitasraya vigraha. Tamam e dos, 10 different lakshan are oriented with Krishna. Sab Krishna ke liye. Dasame dasamam lakshanam asitas. Bala dasame dasamam laksham asitasraya vigraham. दस लक्षण को सपोर्ट करके दस लक्षण को सपोर्ट करके कृष्ण स्वयं विराजमान है. कृष्णाक्षम जिसका नाम है स्वयं कृष्णो श्री कृष्णाक्षम परमम धामम जगत ध्याम नमामि त्वत्. इनको मैं नमन करता हूं. কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান যার হয় তার নাহি কৃষ্ণে অজ্ঞান. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মে বতায়া গয়া সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো অলস ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস. ডোন্ট সো লেথার্জি অ্যাবাউট সিদ্ধান্ত বিচার ভজন নো. जितना सिद्धांत विचार आप समझोगे कृष्ण भजन में आपका मन उतना ही लगेगा. जितना तत्व सिद्धांतों का बारे में आपका ज्ञान होगा अनुभव होगा उतना ही कृष्ण भजन में आपका पावर आएगा. सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस यहाँ इतने कृष्ण लगे सुदीरो मानोस. चैतन्य ज्योति में तो बताया কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীজি নে বতায়া কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান. ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে আপনার স্বরূপ ইসকা বারে মে যে নলেজ হ্যাঁ আগর আপকা হ্যাঁ আর চিপস শক্তিত্রয় তিন কিসম কা ক্যাটেগরিক্যালি তিন কিসম কা শক্তি হ্যাঁ. এক হয় চিত শক্তি এক হয় জীব শক্তি এক হয় মায়া শক্তি. जिन भक्तों का जिंदगी में कृष्ण स्वरूप का बारे में कोई इग्नोरेंस नहीं है मिसकंसेप्शन नहीं है कृष्ण तत्व का बारे में कोई मिसकंसेप्शन जिसका अंदर में नहीं है जिनके अंदर में शक्तित्रय चित्त शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति के बारे में क्लियर कंसेप्शन ही कैन नेवर हैव एनी इग्नोरेंस इन कृष्ण तत्व. কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান যার হয় তার নাহি কৃষ্ণ অজ্ঞান. হি ক্যান নট হ্যাভ এনি ইগনোরেন্স. এই কৃষ্ণ স্বরূপ সমজনে কে লিয়ে বহুত বিচার জরুরি হ্যায়. কৃষ্ণ কোন হ্যায় কৃষ্ণ অরিজিনালি ক্যা হ্যায় ইসকা इसका इच्छा क्या है इसका क्रिया का जैसे इच्छा भगवान का इच्छा क्या है क्रिया क्या है क्या करना चाहता है सारे विचार. जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला चतुश्लोकी भागवत में जवानहम यथाभावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात. बाई माई मर्सी you try to realize my sarup, my desire, my all activity, everything. Ek Krishna ka anant bilas, Krishna ka sarup jo hai, chho kisim ka. Krishna sarupir hai, sarubida bilas. Krishna sarup ka chho kisim ka bilas hota hai. প্রাভব বিলাস বৈভব বিলাস রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ. এক প্রাভব আর বৈভব এ সমঝোগে নেই বড়া মুশকিল এসব দিমাগ মে রাখনা বহুত
उचित है। इसलिए प्रभव और वैभव नाम का दो किस्म का द्विविध प्रकाश और अंश अंश शक्तावेश रूपे द्विविध अवतार, इसमें बाल्यो पौगंड धर्म द्वित प्रकार, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे यही स्वरूपी छह रूप विश्वभरी। क्या का छह रूप? कृष्ण स्वरूप का छ प्रकार का विलास, प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, एक प्रभव विला वैभव विलास, प्रभव अविभव रूपे द्विविध प्रकाश और अंश शक्तावेश रूपे द्विविध अवतार। इसके बाद बाल्यो पौगंड द्वि धर्म द्वित प्रकार, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे यही छय रूपे विश्वभरी। विश्व भर के लीला करता है नित्य किशोर रूप कृष्ण बाल्यो पौगंड वयस द्विविध लीला, ये तो करता ही है। 90 अंशावेश शक्तावेश अवतार अन्यत्र लिखा हुआ है, इसलिए अभी ये भी प्रभव वैभव का अंदर में गिनती किया गया। इसके साथ साथ गुणावतार गण का भी यही अवस्था, किसने स्वरूप हुआ सर्वविध विलास, प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, अंश शक्तावेश रूपे द्विविधा अवतार और बाल्यो पौगंड धर्म द्वित प्रकार, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे यही छय रूपे विश्वभरी। यही छय रूपे है अनंत विभेद, ये छ किस्म का विभेद है लेकिन इसका अंदर में अनंत विभेद है। ये छ रूप है, ये छय रूपे है अनंत विभेद और अनंत रूपे एक रूप किचू नहीं भेद। ये छ रूप पकड़ कर ये छय रूपे है अनंत विभेद। देखने में छय कैटेगरी है, देखने में सिक्स कैटेगरी छय विभेद, लेकिन ये छय रूपे है अनंत विभेद। अनंत रूपे एक रूप किचू नहीं भेद, जब भी अलग अलग प्रकाश प्रभाव प्रभाव वैभव अंश शक्तावेश इत्यादि सब कुछ है विभेद, लेकिन अनंत रूप होने से भी ओरिजिनली सब एक है। अनंत रूपे एक रूप नहीं किचू भेद, चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। चित शक्ति स्वरूप शक्ति ये सब एक ही नाम है, जो चित शक्ति है ये स्वरूप शक्ति है, यही अंतरंगा शक्ति बोल के परिचित है। जिनके वैभव अनंत वैकुंठादि धाम नियम है, माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, माया शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंसी ये जगत है। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांड निर्गुण, माया शक्ति का इन्फिनिटी जो प्रकाश अनंत ब्रह्मांड ये वैभव है, ये वैभव है। जैसे किसी आदमी का 10 मुकान है, इतने बड़े बड़े सब व्यवस्था है, ये सब वैभव का प्रकाश, माया वैभव का प्रकाश। माया शक्ति बहिरंगा शक्ति जगत कारण ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांड, इसका वैभव फैला हुआ है चारों ओर अनंत ब्रह्मांड।
जीव शक्ति ततोस्ता शक्ति, जो जीव शक्ति है इसका नाम ही ततोस्ता शक्ति, नहीं जार अंत एंडलेस। जीव शक्ति जिसका नाम है जीव शक्ति, इसका नाम है ततोस्ता शक्ति, जो जीव शक्ति है ततोस्ता शक्ति, जीव शक्ति ततोस्ताक्ष नहीं जार अंत, इसका कोई एंड नहीं। इतना मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। यही तो स्वरूपगण आर तीन शक्ति सवार आश्रय कृष्ण, कृष्ण सवार स्थिति, सब कोई का आश्रय कृष्ण है और कृष्ण में ही सबका स्थिति है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, यद्यपि तमाम ब्रह्मांड गणों का, यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय कारणोन्नवसाई आश्रय है, यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय सेई पुरुष आदि सवार कृष्ण मूलाश्रय। अनंत ब्रह्मांडों का महाविष्णु में प्रकाश, हमने ब्रह्म संगीता में प्रमाण दिया। ब्रह्म संगीता का अंदर में प्रमाण दिया, जोशैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवंति लोम विलया जगदंद नाथा विष्णुर महान स इहो जस्व कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तुम। जोशैक निशेषितो काल मथावलंबो, एक्सीलेशन एनिहिलेशन, भगवान सब सृष्टि को सब लेके समाहित हो गया। अयगन सृष्टि होगा एक्सीलेशन तब है अमान अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश। तो जीव शक्ति ततोस्ताक्ष नहीं जार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। यही तो स्वरूप गण आर तीन शक्ति, ए भगवान का स्वरूप का बारे में थोड़ा विचार किया हमने, स्वरूप का बारे में। यही तो स्वरूपगण आर तीन शक्ति सवार आश्रय कृष्ण, कृष्ण सवार स्थिति। कोई पुरुष अवतार है, गर्भदुख से अवतार है, क्षीरदुख से अवतार है, जो कुछ भी है, यही तो स्वरूपगण आर तीन शक्ति सवार आश्रय कृष्ण, कृष्ण सवार स्थिति। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय सेहो पुरुषादि सवार कृष्ण मूलाश्रय। ये जो क्षीरदुख साई गर्भदुख साई कारण साई ये जो बोला, ये अनंत ब्रह्मांड का आश्रय हमने बोला कारणव साई, जो सैक निशेषित काल मतावलंब। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय सेई पुरुषादि सवार कृष्ण मूलाश्रय। ये सारे जो पुरुष है, ये सारे पुरुषों का मूल आश्रय है कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, सब कुछ का आश्रय है। परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र को है, ईश्वर परम कृष्ण, तमाम शास्त्रों में यही विचार है। ब्रह्म संगीता में बताया, जो हमने बार बार बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये सब सिद्धांत तो तुम्हें जानो भलो मते, पूर्वपक्ष परपक्ष करके विचार दे रहे, ये सब सिद्धांतों के बारे में तुमको जानकारी है, यू नो इट, स्टिल यू आर फाइटिंग फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द तत्व। जस्ट लाइक सनातन गोस्वामी जब क्वेश्चन किया महाप्रभु को, बापू जी ने बोला तुम्हारे अंदर में कोई अज्ञान नहीं है। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को पूछा,
You are putting question, but I'm sure you have no, you know, agyan. Tumhara andar koi agyan nahi hai. Phir bhi tum question kar rahe ho. Still you are putting question for the confirmation of this tattva and for the complete benefit of the infinite world. Esav siddhanto tumi jano bhalo mate. Brahma Sangita ka Ishwara Parama ki sab jante ho. Esav siddhanto tumi jano bhalo mate. Esav siddhanto ke baare mein tumko jankari hai. Phir confirmation karne ke liye purva pakkha karo ama chalai the. Hamko thoda disturb karne ke liye, to make me excited, you are speaking all wrong siddhanto. I know that you know. Hamko jankari aap jante ho, phir bhi question karte ho, kyun aise hoga. Esav siddhanto tumi jano bhalo mate. Esav siddhanto ka baare mein tumhara jankari hai. Still you are putting question. Purva pakkha karo ama chalaite. Esav siddhanto ka baare mein tumhara gyan hai. Phir bhi tum question kar rahe ho. Kyunki aap chahte ho ki main uttar dun. Perfect. Shai Krishna Avatari Brajanda Kumar. Wahi Krishna, jo original Krishna hai, Wahi Krishna Avatari Brajanda Kumar apone Chaitanya Rupe Koila Avatar. Wahi Krishna Avatari jiska naam hai Brajanda Kumar, jo swayam Chaitanya Mahaprabhu ka roop lekar Koila Avatar. चेतन महाप्रभु रूप धारण करके जो आया है अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा दैट इसीलिए चैतन्य गोसाई जो है चैतन्य महाप्रभु ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये जो अवतार सारे के सारे ये मूल वस्तु है So, Krishna Chaitanya, Paratattva Sima, Paratattva ka extreme limit, Tarek, Khelod Gosai koi kitar mahima. Tale pehle bataya, Krishna Avatari, Sai Krishna Avatari, Brajanda Kumar, apne Chaitanya rupe koilo avatar. Chaitanya rupe dharan karke avatirna hua hai. অতএব চৈতন্য গোসাই পরতত্ত্ব সীমা পরতত্ত্ব কা এক্সট্রিম লিমিট চৈতন্য গোসাই ইফ সামবডি গোইং টু সি চৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষীর গোসাই ইট ইজ অলসো রাইট যদি আগর কই কহে চৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষীর গোসাই আর কই কহে গর্ভদ গোসাই স্টিল ইট ইজ ওকে কৃষ্ণ অরিজিনাল না চৈতন্য গোসাই অরিজিনাল তো এসমে গলতি কুছ নাই হ্যায় অতএব চৈতন্য গোসাই পরতত্ত্ব সীমা তারে ক্ষীরোদ গোসাই করি কি তার মহিমা জব আগর হমনে কৃষ্ণ তত্ত্ব কো সমাই লিয়া অতএব চৈতন্য গোসাই পরতত্ত্ব কা সীমা তারে ক্ষীরোদ গোসাই করি কি তার মহিমা ক্ষীরোদ গোসাই বলনে সে ক্যা হ্যায় অল দেয়ার ইন কৃষ্ণ কলা অংশ অবতার सारे जो है ये सारे इसके अंदर में है कृष्ण अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा तारे खिरोद गोसाई को ही की तार महिमा ये तो सामान्य चीज है सहीते भक्त सही तो भक्तेर भक्तेर वाक्य नहीं व्यभिचारी कोई भक्त अगर बोले ऐसा तत्व इसका अंदर में व्यभिचार नहीं है रॉन्ग कंसेप्शन नहीं है सही तो भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल सम्भव जाते स्वयं अवतार सकल सकल सम्भव तारे ताते सकल सम्भव ताते
inside him sakal apki evigiju sab kuch sambhav hai, sab kuch sambhav hai. ये तो भक्तेर वाक्य, कोई अगर भक्तो बोला है, कोई भक्तों ने कुछ विचार बताया है, तो भक्तों का वाक्य तो कोई गलती नहीं है. जैसे चैतन्य भागवत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का मैरिज प्रोसेशन चल रहा है, महाप्रभु जा रहे हैं, फिर उसका बाद महाप्रभु आफ्टर मैरिज लौट रहे इन प्लैंक्विन, तो एक एक आदमी समाज का आदमी एक एक विचार बता रहे. एक बोलता है ए देखो जस्ट लाइक लक्ष्मीनारायण, को कर नो राम सीता एग्जैक्टली लाइक दैट. कोई बोले नो बामन देव, कोई बोले खिरद गोसाई विष्णु, जो बोले सब, क्योंकि कृष्ण का अंदर में सारे अवतार हैं. कृष्ण का अंदर में तो सारे अवतार हैं. कृष्ण का अंदर में अगर सारे अवतार है तो कृष्ण को कुछ भी बोलो, नारायण बोलो, विष्णु बोलो, वराह बोलो, नृसिंहदेव बोलो, राम बोलो, तो एक ही है. क्योंकि भगवान का तत्व का अंदर में सब कुछ है. सब कृष्ण जब अवतार, जितना सारे अवतार सब कृष्ण का अंदर में है, सब विद इन कृष्ण. सो इट इज नॉट रॉन्ग. इसलिए कृष्ण के अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा एक्सट्रीम लिमिट परतत्व. इफ समबडी गोइंग टू से खिरद गोसाई इज नथिंग स्ट्रेंज, इट कैन बी दे. अतएव चैतन्य गोसाई परतत्व सीमा तारे खिरद गोसाई को ही कितार महिमा. सही तो भक्तेर वाक्यो नहि व्यभिचार. कोई भक्त अगर ऐसा विचार बताया, भक्तों का विचार में कुछ गलती व्यभिचार नहीं रहते हैं. सही तो भक्तेर वाक्य नहे, सही तो भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी. सकल संभव जाते ताते जाते अवतारी. ये तो स्वयं अवतारी है, अवतार नहीं है. सब कुछ संभव है, पॉसिबिलिटी दिया. सही तो कृष्णेर वाक्य नहे व्यभिचारी. सकल संभवे ताते जाते अवतारी. अवतारी न तो अवतार नहीं, अवतारी. केहो कोनो मत कहे, समबडी सेइंग विष्णु, समबडी सेइंग राम, समबडी सेइंग लक्ष्मी नारायण, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग दे स्पीक, ऑल ओके. केहो केहो कोनो मत कहे, जेमन जार मोती, जैसे जिसका स्थिति है. कोई भी बोले नारायण बड़ा हो, जो भी बोले, अवतारीर देहे सर्व अवतार स्थिति. कोई अवतारी है, अवतार नहीं, अवतारी. अवतारी का अंदर में सारे अवतार उपस्थित है. कोई भक्त ऐसे बताए, कोई भक्त ऐसे बताए. केहो कोनो मते कहे, जेमन जार मोती, अकॉर्डिंग टू संस्कार और प्रीवियस एक्सपीरियंस. जिसका जो मर्जी ऐसा बोले. कृष्ण के कहे केहो नारायण, कोई अगर कृष्ण के नारायण कहे उसमें ही गलती नहीं है, इट्स ओके. केहो कहे कृष्ण खिरद गोसाई, इट इज ऑल्सो ओके. कृष्ण के कहे कहो नारायण, तो इट्स ऑल्सो ओके. नारायण देव. केहो कहे कृष्ण है साक्षात बामन, ए बामन देव, स्टिल ओके. केहो कहे कृष्ण, केहो कहे कृष्ण खिरद गोसाई, खिरद गोसाई अवतार. कोई कोई आदमी कहे कि कृष्ण खिरद गोसाई अवतार, असंभव नहीं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज कृष्ण गौरांग महापुरुष इट्सेल्फ स्वयं रूप भगवान, एंड विद इन समन स्वयं रूप भगवान एवरीथिंग देयर. इसीलिए बोल रहा है, केहूं बोल रहा है ऐसे, केहूं कहे कृष्ण खिरद गोसाई, एवरीथिंग पॉसिबल, ये सत्य वचन सभार. केहो कहे परब्रह्म नारायण हरि, क्यों बोले परब्रह्म नारायण हरि, कृष्ण का यही परिचय है. सकल संभव कृष्ण जाते अवतारी. कृष्ण स्वयं अवतारी है, इसलिए कुछ भी बोलो. कृष्ण स्वयं अवतारी है, कुछ भी बोलो. कोई
गलती नहीं होगा। सकली सम्भवे कृष्ण जाते अवतारी। इसका बात कहे सब सोतारे कोरी चरण वंदन, इट इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कृष्णदास कबीरदास में, वेरी स्पेशल। हर पल पल में कुछ लिखने का बाद, बोलने का बाद, फिर बोले भक्तों लोगों का चरण वंदन करें, हमारा कोई अपराध ना हो जाए। इसीलिए कृष्णदास कबीरदास के समय कह रहे हैं तब हैं सब सोतार गणेर कोरी चरण वंदन। सब सोता जो लोग चैतन्य चैतन्य सुन रहा है, दो जो हियरिंग चैतन्य चैतन्य तो रिसाइटिंग, सब सोता जो लोग सुन रहे हैं सबा चरण वंदन करे। सब सोता गणेर, सब सोता गणेर कोरी चरण वंदन। से सब सिद्धांत तो सुनो कोरी एक मन। इसके बाद में एक एक करके सिद्धांत तो बताते चलूं, आप विथ फुल अटेंशन सुनते रहो। सब श्रोतागणेर कोरी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत तो गुण कोरी एक सुनो एक एक मन। ये सब श्रोतागणेर कोरी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत तो सुनो, ये सब पक्का सिद्धांत तो सब सुनो कोरी एक मन। एक मन करके सुनना, कोई माइंड डाइवर्सिफाइड डाइवर्टेड हो ना जाए। ये सब श्रोतागणेर कोरी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत तो सुनो कोरी एक मन। यहाँ ये बताया सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहाँ ही कृष्ण के सुदृढ़ मानस, ये ठीक बात है। पहले कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी सब श्रोता का चरण वंदन किया, सब श्रोतागणेर कोरी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुनो कोरी एक मन, विथ फुल अटेंशन सिद्धांत सुनो। सिद्धांत बोल के चित्तों में जो हमने पहले बताया रिगार्डिंग सिद्धांत विचार, इफ यू फील टायर्ड तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। सिद्धांतों के बारे में वो कष्ट होता है, ये संभव नहीं है, बड़ा कठिन चीज है। ऐसा अगर सोचोगे सिद्धांत तो बहुत टफ है, सो आई डोंट लाइक टू मेमोराइज सिद्धांत, नथिंग इज रॉन्ग। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, डोंट सो लेथर्जी रिलेटिंग टू सिद्धांत विचार एवरीथिंग। क्योंकि सिद्धांत तो जानने से कृष्ण चरण में, कृष्ण चरण में लागे सुधीर मानस, मेंटल स्टेबिलिटी यू कैन गेट एंड टू लोटस फीट ऑफ कृष्ण। यहाँ हुई थे कृष्ण लगे सुधीर मानस, मेंटल स्टेबिलिटी। सिद्धांत तो बोल के अंदर में कोई लेथर्जी मत शो करो। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत, जो सब सिद्धांत तो हमने बताया अभी, ये सब विचार करके यहाँ कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण के कहे के हो नर नारायण। कृष्ण के, कृष्ण को कभी कभी कोई नारायण बोलता है, केहो कहे कृष्ण है साक्षात बामन, कोई बोल रहा है ये साक्षात नारायण, इट इज ओके। केहो कहे कृष्ण है साक्षात बामन, बामन देव, ये भी ओके। केहो कहे कृष्ण क्षीरोद गोसाई अवतार, केहो कहे कृष्ण क्षीरोद गोसाई का अवतार है, क्षीरोद गोसाई अवतार, असंभव नहे, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि कृष्ण इज द ओरिजिनल ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। केहो कहे परब्रह्म नारायण हरि, सब एवरीथिंग पॉसिबल, सब सकली संभवे कृष्ण जाते अवतारी। कृष्ण जो अवतारी है, अवतार नहीं है, कृष्ण अगर स्वयं अवतारी हैं इसमें सब संभव है, इसमें तो सब संभव है। सब सोतार गणेर कोरी चरण वंदन, आफ्टर राइटिंग कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी गोइंग टू ग्लोरिफाई ऑल रीडर सोता, सोता हियर
those hearing. Sob sotagoner kuri charan bandan, esob siddhanto suno kuri ek mon. With full attention siddhanto suno. Krishna ka bare mein tattva janna zaruri hai. Sob sotagoner kuri charan bandan, esob siddhanto suno kuri ek mon. Siddhanto boliya chitte na koro alos, yamite Krishna lage sudhiro manus. Krishna's Kaviraj Swami bola. Chaitanya Mahima jani esob siddhante, jo sob siddhanto abhi vichar karke dikhaya aage se, e sare vichar karke dikhaya, atta sarga visarga scho, pushanam, mannantara ishanu katha nirodha mukti rasrayo, atro sarga visarga scho sthanam pushanamu tayo, mannantara ishanu katha nirodha mukti rasrayo, Dasamasya Vishuddhvartha Navanam Iha Lakshanam. And here we tell you, all the sota that Chaitanya is listening to, all the sota ganer kori charan bandhan. Joseph sota Chaitanya is listening to, all the charan bandhan kare. Hum. All the sota ganer kori charan bandhan, all the siddhanta suno, kori ekman with full attention. And siddhanta bulia chitana karo alos, यहाँ कृष्णा के सुदीर मानो अगर सिद्धांत तो टाफ है कठिन है छोड़ दो सिद्धांत छोड़ दिया तो ऐसे की ऐसे ही रह जाओगे तो तरक्की नहीं होने वाला यहाँ लिखा ये सब सिद्धांत तो सुनो कोरिया मौन सिद्धांत तो बुरिया चित्ते ना करो अलौस यहाँ इतने कृष्णा के सुदीर मान मानोस ये सब सिद्धांत तो सुनने से कृष्ण में आपका सिद्धांत विचार सॉलिड हो जाएगा यू कैन गेट कंफर्मेशन इन सिद्धांत विचार चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा का बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा का बारे में बहुत सारे जानकारी मिल सकता है चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्त दृढ़ होइया लागे महिमा ज्ञान होते जब हमारा इष्टदेव का बारे में सिद्धांत ज्ञान पक्का हो जाता महिमा ज्ञान तब क्या होता है इसमें हमारा रिजिडिटी भजन का स्टेबिलिटी बढ़ता है भजन का जो दृढ़ता बढ़ता है चैतन्य महाप्रभु महिमा कोरिवार तोरे कृष्णेर महिमा को ही कोरिया विस्तारे चैतन्य महाप्रभु का महिमा ग्लोरिफिकेशन एनालिटिकली समझाने के लिए कृष्णो महिमा बोलना जरूरी है क्योंकि कृष्णो और चैतन्य महाप्रभु एक ही है इसलिए कृष्णो का महिमा इतना विस्तार रूप से बोला ताकि आपको समझ में आए कि चैतन्य महाप्रभु का महिमा क्या है चैतन्य गोसाईर ए तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्णो ब्रजेंद्र नंदन श्री रूप रघुनाथ पति याराज श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ सेकंड चैप्टर का विश्राम दिया थर्ड चैप्टर काल से शुरू होगा आज यहाँ चर्चा का विश्राम दे क्या श्लोक दे के शुरू किया था तर्को अप्रतिष्ठो सुतयो विभिन्न नाशो मुनिर यश मतम नभिन्यम धर्मस्य तत्यम निहितो गुहायम महायनो येनो गतो सपन्था वांछा कल्पतरुष